नमस्कार। आज संडे 18 अगस्त, जो बच्चे चश्मा उतारने के लिए हमारे पास नेत्र ज्योति दरबार गुरु नानकपुरा वेस्ट जलंधर शहर में आए थे, ध्यान दें। प्यारे बच्चों, मैं आज रात भर नहीं सोया। मुझे आज इतना बुखार था, 104 के करीब थी बुखार था, और रात भर जो मेरी जो हेल्पर है चंदा मैडम, सारी रात उसने मेरी सेवा करी है, कभी दवाई कभी कुछ खाने के लिए। मैं तड़पता रहा हूँ तो, और मुझे तड़प इस बात की थी जो सुबह बच्चे आएंगे उनका चश्मा कैसे उतरेगा। मुझे बुखार का इतना फिक्र नहीं था। चलो, आज मैं 4:20-25 पर बाहर आया, जो कि मैं इतवार को 3 बजे बाहर आ जाता हूँ। तो सभी लोग हैरान थे कि बाबा जी तो 1 घंटा पहले बाहर आ जाते हैं, आज क्या बात हुई। तो प्यारे बच्चों, जो मैं बात कहना चाहता हूँ वही है कि आपका चश्मा उतार नहीं पाया। आपको जो भी प्रसाद मिला है, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, चश्मा नहीं लगाना। आपने 3 टाइम प्रसाद डालना, एक एक बूंद सुबह, एक एक बूंद दोपहर को, एक एक बूंद रात को। 3 टाइम डालते हुए एक शीशी ख़त्म कर लेनी, उसके बाद दूसरी शीशी शुरू कर लेनी, फिर दूसरी में जब थोड़ा सा प्रसाद रह गया दोबारा आ जाना। और जब दोबारा आओगे, ध्यान देना, चश्मा हाथ में पकड़ कर लाना, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं प्रसाद अपने हाथों से डाल करके आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। हाँ, आपको हमने बोला कि चश्मा नहीं लगाना, नज़र वाला। 3 बार प्रसाद डालते हो तो आज से टेलीविजन, लैपटॉप, कंप्यूटर, वीडियो गेम, सिलाई कढ़ाई पढ़ाई खूब करो। धुंधलापन अभी रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता तो जाएगा। प्रसाद लगातार डालना है, चश्मा नहीं लगाना, आहिस्ता आहिस्ता चश्मे की जरूरत खत्म हो जाएगी। हाँ, नज़र को यूज़ करते हुए, जैसे मैंने बोला कि टेलीविजन, लैपटॉप, कंप्यूटर, वीडियो गेम, सिलाई कढ़ाई पढ़ाई खूब करो। ये ऐसा करने से आंखें दर्द हो, सर दर्द हो, चक्कर आए, पानी बहे या कोई भी और प्रॉब्लम महसूस हो, ये नहीं सोचना कि आंखें चश्मा मांग रही हैं, ये सोचना कि आंखें दोबारा प्रसाद मांग रही हैं। आपके पास प्रसाद है, डाल दो दोबारा। नहीं राम आया, आधे घंटे पर फिर डाल दो। नहीं आया, फिर डाल दो, फिर डाल दो, फिर डाल दो, बार बार डाल दो। 3 बातों का ध्यान रखना आपने। एक तो प्रसाद लगातार डालना है, नॉर्मल जो प्रसाद 3 बार मैंने बोला है। और दूसरा, नज़र का चश्मा नहीं लगाना। अपना नज़र का चश्मा जिनसे आपने खरीदा उनके पास चले जाना, उनको बोलना कि इसके ऊपर धूप छाँव से बचने वाला ग्लास लगा दो, वो लगा देंगे, आपको धूप छाँव से बचने वाला चश्मा बन जाएगा। अगर नहीं तो नवा भी, नया भी खरीद सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। और जैसे मैंने बताया, अगर आंखों में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है कि बार बार प्रसाद डालना है, कंजूसी नहीं करनी प्रसाद डालने में। ये नहीं, हाय प्रसाद खत्म हो जाएगा, जल्दी जाना पड़ेगा, मेरे पास आने का चक्कर नहीं बचाना, आंखें बचानी है आपने। और प्यारे बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई ना दे तो ब्लैक बोर्ड के पास जाकर पढ़ाई कर लेनी है। लैपटॉप चलाते हो तो आगे पीछे कर लो, बुक्स पढ़ते हो तो आगे पीछे कर लो, यू कैन मूव द लैपटॉप। ड्राइविंग करते हो तो ऐसा कर लो। प्रसाद फ्रिज में नहीं रखना, मांस शराब वाले इसको हाथ नहीं लगाने। जब भी प्रसाद खत्म हो तो खुद लेने आना है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरी जैसे मैंने बताया कि मैं मुझे बुखार से इतना मैं परेशान नहीं था जितना परेशान था कि आपको मैं सुबह कैसे डील कर पाऊँगा। लेकिन शरीर है तो सब कुछ है, तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। पता नहीं क्यों मुझे बुखार कभी नहीं हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ और बहुत ज़्यादा हुआ है। थैंक्स चंदा मैडम, जिन्होंने मुझे रात भर सेवा करके आप तक 4:15 बजे तक
आपके पास प्रसाद देने के काबिल बना दिया। फिर मैंने सोचा चलो प्रसाद तो दो इन बच्चों को अपने हाथों से, तो आपको तसल्ली थोड़ी बहुत हो जाएगी कि बाबा जी आप आए हैं प्रसाद देने के लिए। मैं सेवादार के ज़रिए भी आपको प्रसाद दिलवा सकता था, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ हूँ, आपको इतना सहयोग करना पड़ेगा। आपके दुख दर्द को, आपकी तंदुरुस्ती को मैं अपनी तंदुरुस्ती समझता हूँ। मुझ पर कोई गुस्सा गिला शिकवा नहीं करना, क्योंकि मैं आज ठीक नहीं था। खुश रहो, सुखी बसो, दाता भला करे। हम आपका दर्द समझते हैं जी, आपकी भावना समझते हैं जी, आपके आप क्या चाहते हो बहुत अच्छी तरह समझते हैं जी, लेकिन मर्यादा मर्यादा होती है, आना तो पड़ेगा ही। हम जानते हैं हमारे पास बहुत सारे गरीब लोग अपाहज भी आते हैं, ब्लाइंड आते हैं, जिनके पास किराया भी नहीं होता। ये हमारे दुख तीरग है, दोबारा मत छूना, मैं झूठ नहीं बोलता, आपको नहीं मालूम हमारे पास सुबह से शाम तक बैठी, आपको पता नहीं आप सोचोगे ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास। कुछ लोग ऐसे आते हैं उनको बोल देना सेवा डालिए, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं कि इनके पास नहीं है, हम तुरंत प्रसाद दे देते हैं। हम आपका आपकी भावना की कदर करते हैं, बहुत कदर करते हैं, बहुत कदर करते हैं। ये भावना आपकी इंसानियत है, खुश रहो, ये गुवाना नहीं है, ये गलती नहीं है, ये आपका अंदर एक खूबसूरती है, इसको संभाल कर रखना। खुश रहो, नमस्कार।